हेलो दोस्तों, आज सिखाएंगे मैं न्यू डिज़ाइन का डोरमेट। ये देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको बनाना सिखा आज सिखाऊंगी मैं ये डोरमेट। ये देखें ये वाला, इसमें कलियां बनी हुई हैं, ये देखें। और ये मैंने बड़ा बनाया है, काफ़ी बड़ा बनाया है। मैं आपको छोटा बता रही हूँ, तो 20 फिंदे का मैं बता रही हूँ। और ये मैंने 50 फिंदे का बनाया है। एक सिलाई को हम निकाल लेंगे इसको, एक इधर से तो एक उधर से, फिर आपको हम बताती हूँ। ये देखो हमने सिलाई निकाल ली है। अब उल्टी साइड पे देखिएगा। अब हम ये वाली कली बना रही हूँ, ये वाली कली बना के दिखाती हूँ, फिर आगे का बताऊँगी। एक फिंदे को उतार लिया हमने, यहाँ से एक फिंदे को हम बढ़ाएंगे, एक बढ़ गया, एक को हमने बिन लिया, फिर इधर से एक उतारा, फिर जो बढ़ाया है उसको बिना और बाहर वाला बिना, फिर देखें, फिर हम फिंदे को बढ़ाएंगे यहीं से। अब दो फिंदे बढ़ा लिए और फिर इसको एक और आगे को बढ़ाएंगे, एक और बिन लिया हमने, फिर इसको उतार लिया, फिर देखें ये यहीं से फिंदे को हम बढ़ाएंगे इस तरह से, फिर आगे की साइड से एक बिनेंगे, फिर देखें एक उतारा, बाकी फिंदे हमने बुन लिए, अपने हिसाब से ये कली बड़ी छोटी बना सकते हैं। मैं आपको छोटी थोड़ी बता रही हूँ, फिंदों के हिसाब से। ज़्यादा फिंदे डालें तो थोड़ी बड़ी सात फिंदे, आठ बढ़ा सकती हैं, सात बढ़ा सकती हैं, छः भी बढ़ा सकती हैं। मैंने चार फिंदे बढ़ा लिए, चार बढ़ाने के बाद अब इन चार फिंदों को मैं घटाऊंगी। ये देखें एक इसको उतारेंगे और यहाँ एक का दो करेंगे, दो का एक सॉरी, इस तरह से। अभी नीचे वाले फिंदों में कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ेंगे बगैर बुना हुआ, फिर एक उतारेंगे, फिर से देखें एक बार। ये देखिएगा दो का एक। इसी तरह से हम चारों फिंदों को घटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखें, अब ये हम चेंज कर लिया धागे को, ये सिलाई हम इस तरह से उल्टी साइड से पूरी एंड तक निकाल देंगे। ये देखें हमने दो सिलाई निकाल ली हैं। अब देखें, अब हम चार चार फिंदे छोड़ेंगे नीचे की तरफ से बगैर बुने हुए, चार भी छोड़ सकती हैं। मैंने चार का बनाया है चार चार छोड़ के, आप दो का भी बना सकती हैं, तीन तीन छोड़ के भी बना सकती हैं। बड़ा बनाएं तो चार चार ही छोड़िएगा और छोटा बनाएं तो दो दो छोड़ लें। ये देखिएगा चार फिंदे मैंने छोड़ दिए हैं बगैर बुने हुए, ये इसी तरह हम बनाएंगे ऊपर तक आ जाएंगे। फिर ये देखें ये कली बन के तैयार हो गई है। अब फिर से देखें, अब हम ये वाला कलर लगाएंगे,
आप चाहें तो इसमें कलियों में अलग अलग कलर कर सकती हैं, मंडी कलर में बना सकती हैं। मैंने दो कलर में बनाया है। ये देखिएगा एंड तक हमने निकाल दी सिलाई को। ये देखें इस तरह से। अब हम फिर शुरू करेंगे। ये देखें एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ से हमने फिंदे को उठाया, इसको एक को बढ़ाया और इस वाले फिंदे को बिन लेंगे। फिर सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। फिर इस तरह से फिर बढ़ाएंगे एक फिंदे को। इस तरह से दो फिंदे बढ़ा लिए, फिर एक फिंदे को इधर से बिन लेंगे, फिर सिलाई को पलट लेंगे। ये इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो हमारा कंप्लीट है। और ये देखिए बैक साइड पे इधर भी बहुत अच्छी सफाई आई हुई है। और बड़ा बनाना चाहें तो और बड़ा बना सकती हैं। ये हमने 50 फिंदे का बनाया है।